Hello students, so there is very important announcement from UGC NET, so I wanted to share with you that now this UGC NET exam will also be considered as a PhD entrance exam. So how they are going to do this, because aapko pata hai ye kitna acha exam ho raha hai aur iske results kafi believable hote hain. तो उसको और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए यूजीसी ने अब तीन कैटेगरी में स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराना है. फर्स्ट कैटेगरी जैसा कि पहले भी होता था, स्टूडेंट्स विल गेट जेआरएफ आल्सो, दैट मींस फेलोशिप एज वेल एज दे आर क्वालिफाइड फॉर नेट लेक्चररशिप. ये पहले भी होता था. सेकेंड कैटेगरी इज दैट स्टूडेंट्स विल ओनली क्वालिफाई नेट बट दे विल नॉट गेट एनी फेलोशिप. And now there will be an added category, that will be third category, in which the students, they will not get the benefit of NET and obviously not JRF, but they can appear for PhD exams, PhD entrance. So in that PhD entrance, 70% marks will be from this NET exam. And 30% will be from the interviews, the personal interviews in which they have to appear in the particular institute. तो इस तरीके से अब नेट एग्जाम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है. ओके, सो ये एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पे, यूजीसी की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, इसको डिटेल में पढ़ सकते हो. और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से ये एक टेबल बना के एक्सप्लेन किया है. वी कैन डिस्कस दिस दैट देयर विल बी थ्री कैटेगरीज, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री. एंड इन थर्ड कैटेगरी यू विल बी ओनली एलिजिबल फॉर द एडमिशंस फॉर पीएचडी. एंड दे हैव क्लियरली गिवन दैट 70% वेटेज विल बी फ्रॉम दिस एग्जाम्स, फ्रॉम दिस स्कोर. And 30% weightage will be for your personal interview. Okay, so go through with this notification. Thank you so much, and please subscribe Pravega for more such updates. Thank you.